कुछ लोगों ने आपके व्लॉग में बोला था कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। अक्षत तो छोड़ दिया आई थिंक मेरे हिसाब से। लाइक सोल से सीजे में ट्रांजिशन तो पंकीज बेटर देन जल्ली अभी से आगे बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है BGMS को लेके। तो BGMS की ओवरऑल स्टैंडिंग डे वन की आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों को क्या लगता है डे थ्री पे हमें कौन विनर बनता हुआ दिखाई देगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसके बाद बात करें जोनाथन से रिलेटेड, तो वो हमारे को अपने अप्स एंड डाउन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। अभी जो गॉड लाइक का फ्यूचर है, जो अभी की परफॉर्मेंस पे दिख रहा है, उससे रिलेटेड भी उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट सीजन टीम वाज सेकंड 197-201, Global Esports was 201, you were 197, you went there to lift the MVP trophy, but your eyes showed that maybe that was one time you did not want the MVP, just the MVP trophy, you wanted something else as well. Is that Jonathan gonna be the one that we'll see today? How much has Jonathan evolved in these 2 years, BGMS season 1 to season 3? बोल सकते हैं कि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने परफॉर्मेंस को लेके, लाइक एज अ टीम वगैरह, बट अभी बोल सकते हैं कि अभी थोड़ा सही जा रहा है चीज़ है। आई होप कि उसको ये ना लगे एंड अभी से आगे बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं, लाइक वैसा। तो हमारे को क्या फ्यूचर के अंदर रेगल टॉस, अमन, स्नैक्स एंड साथ में जो अक्षय है वो एक टीम में देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात करी अमन ने, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। We see you, रेगल टॉस, स्नैक्स एंड अक्षय इन द टीम, आल्सो स्काउट, आई डोंट थिंक सो। और बहुत लोग लिख रहे थे कि ईगो क्लैश होगा, ईगो क्लैश नहीं होगा, जमेगा ही नहीं, यू नो, क्योंकि देखो हम चारों जो है ऐसे, मेरे को नहीं लगता हम चारों में से कुछ इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है जितने बाकी प्लेयर्स है, बिकॉज हम लोग बहुत लंबे लंबे ब्रेक ले चुके हैं, एक्सेप्ट स्काउट, स्काउट के पास नॉलेज है, बट स्काउट जब तक हमको समझाएगा हम तीनों ब्लैंक रहेंगे दिमाग से, चारों एक्चुअली, क्योंकि स्काउट तो भाई बहुत टाइम से खेल रहा, तो उसको नॉलेज होगा, तो वो कुछ चीज़ बताएगा जो उसके दिमाग में हो, हम लोग ब्लैंक दिमाग वाले कुछ एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वर्क ही नहीं करेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि हम चारों में से अगर दो बंदे भी अगर एक टीम में हुए ना तो टीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लाइक डीमोटिवेट हो जाएंगे साहब, बाकी दोनों भी और वो दोनों भी। आई थिंक चारों को एक अपने सिंगल पर्टिकुलर पाथ पे चलना चाहिए जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टीम को वैसा रहे, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इस चीज़ से, मेरे को तो आ रहा है, लेकिन ऑफकोर्स 3-4 दिन में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया। एंड क्या बहुत पहले अक्षत एंड ओमेगा का ई-स्पोर्ट्स को लीव करने का डिसीजन था, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी बात करते हुए दिखाई देते हैं अमन अपनी स्ट्रीम पे, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। अक्षत तो छोड़ दिया आई थिंक मेरे हिसाब से, उसका पहले भी था ऐसा शायद, जब वो सोल में आने से पहले भी वो छोड़ने ही वाला था, बहुत पहले 2-3 साल पहले, बट उसको सोल की अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसने कहा चलो ट्राई कर लेते एक बार और लास्ट टाइम। इवन ओमेगा भी छोड़ रहा था सोल में आने से पहले, खुद ही बोला मेरे को कॉल पे, बट तुमने दोनों अपॉर्चुनिटी दी तो उसने कहा ठीक है ट्राई करते, तो हो गया, अब तो नहीं छोड़ेगा ओमेगा, अब तो अच्छा खासा हो गया, बट हाँ उस टाइम की बात है, पुरानी बात है ये सारी। एंड इसके बाद जो न्यू है वो बात करते हैं सोल से सीजी की ट्रांजिशन से रिलेटेड, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैं टीम सोल से कार्निवल गेम में ट्रांजिशन करी है, मुझे इस ट्रांजिशन के बारे में बताइए। लाइक सोल से सीजी में ट्रांजिशन तो मतलब बहुत क्विक हुआ था मेरे हिसाब से, वो डिसीजन बहुत क्विक था, और वो भी लाइक काफ़ी टाइम से हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी धीरे धीरे, और लास्ट आई गेस BMPS था जो हमने सोल से खेला था, जो एक्सपीरियंस था और जो फन था वहाँ पे वो तो शायद कहीं और नहीं मिलेगा, बट वही है कि धीरे धीरे लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है, तो वैसे ही अब मैं CG में हूँ तो इधर भी अलग फन है, इधर भी अलग लोग हैं, नए लोग हैं, इनसे भी बॉन्ड बनाना है, और मतलब अपने को यही सब चीज़ें तो मैटर करती है अभी। आप लोग का फेवरेट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 1X के बारे में बताने वाला हूं, तो 1X पे आप लोगों को 1000 से भी ज्यादा गेम्स जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग खेल के पैसा भी अर्न कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड GameXNews यूज करते हो तो आप लोगों को 1,69,000 तक का जो बोनस है वो भी मिल सकता है। एंड इसके साथ में आप लोगों को गेम्स की सारी डिटेल जो है वो पिंड कमेंट में मिल जाएगी, या फिर स्क्रीन पे दिया हुआ QR कोड भी आप लोग स्कैन कर सकते हो। तो वेट किस चीज का कर रहे हो यार, खेलो और कमाओ एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। एंड इसके बाद जो ओवेज है उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी कि उन्होंने टीम अप करवाया CGNTF का, तो इस चीज से रिलेटेड वो हमें बात करते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। आपका व्लॉग देखा था, कुछ लोगों ने आपके व्लॉग में बोला था कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, अगर मैं कराता, ये मैं आपसे पूछता हूँ ओशन भाई,
मेरी टीम को क्वालिफाई होने के लिए चाहिए थे 20 पॉइंट। ओके अगर मुझे उन्हें क्वालिफाई करवाना होता तो क्या मैं किल्स दिलवा के क्वालिफाई नहीं करवा सकता था? नहीं, ये बात भी है, एक्चुअली ये बात भी है, है कि नहीं है, बट मैंने फेयर गेम प्ले खेली मेरी टीम नहीं किया, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नहीं ऑब्वियसली नहीं, वो बात तो है, यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो इट मेक्स सेंस। और बहुत लोगों को पता है, यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग मेरे साथ थे, सबको पता है कि मैं ये सब चीज नहीं करता हूँ। हाँ नहीं, ये बात तो है, और मुझे करना होता ना भाई तो बहुत अच्छे से कर सकता, बट वो सब मेरे ब्लड में नहीं है, गेम भावना जो होती है। हाँ, तो अपन गेम शो करते, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ऊपर वाले की जो मर्जी, उसको एक्सेप्ट करो। एंड इसके बाद BGMS के बाद हमारे को कौन सी टीम के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड बात करते हुए दिखाई देते हैं आईफ्लिक हमारे को, तो उन्होंने क्या बोला फू, आप लोग देख सकते हैं। चेंज होने का चांसेस है, मुझे लगता है कि मोगो पे चेंजेस दिखेंगे, मोगो नहीं कर रहा है, NDTV हो सकते है कि चेंजेस ला सकता है आफ्टर BGMS के लिए ना। हाँ ज्यादातर उधर ही, मतलब बिग चेंजेस नहीं होंगे BMPS तक, तो एटलीस्ट BMPS के बाद बड़ा चेंजेस देखेंगे, तब तक तो यार बिग चेंजेस नहीं आएंगे। एंड क्योंकि हमारे को अभी जो गॉड लाइक है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, तो काफी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि जो पंक है वो बेटर है जेली से, तो इस चीज के ऊपर भी आईफ्लिक हमें रिप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। पंक इज बेटर देन जेली, ट्रू, ड्यू टू डिवाइस चेंज, मे बी एडविनो डाउनफॉल, दैट टोल आई डोंट नो, बट आई एम प्रीटी श्योर पंक इज डूइंग मटरम बेटर देन जेली इन दिस लाइनअप। इन दिस लाइनअप जो है एक क्वॉट है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इतना बोलने से, पंक इज बेटर देन जेली बोलने से जेली का बहुत खराब होगा, बिकॉज जेली इज नॉट अ बैड प्लेयर, जेली इज अ ग्रेट प्लेयर, इट्स जस्ट नॉट दैट कि ये लाइनअप उसके साथ वर्क नहीं कर रहा है। आई फील लाइक IGL लाइनअप प्लेइंग फॉर इज परफेक्ट नाउ, आई फील लाइक गॉड लाइक लाइनअप प्लेइंग फॉर इज परफेक्ट नाउ, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, जीरो इज नाउ दैट बैड, not that bad, he will perform, just give him time. Yeah bro, I also feel like bhai ye lineup ko Godlike ko time deni chahiye, mere ko aisa lag raha hai, because Godlike hamesha you know coach tak ko time nahi diya, to players ko to alag baat hai, to time deni chahiye, that's what I am going to say now. I feel this lineup is doing good, promises hai is lineup ke through, acha dikh raha hai is lineup ke through, नंबर्स आ रहे इस लाइनअप के थ्रू, पॉइंट्स टेबल में दिख रहा है इस लाइनअप के थ्रू, क्वालिफाई हो रहा है इस लाइनअप के थ्रू, बहुत सारी चीजें प्लस हो रहा है, सो नाउ नो चेंजेस, लेट्स कंटिन्यू एंड सी ना। हालांकि इन द एंड आई फील कि भाई देयर इज वन मोर फ्रैगर नीडेड टू बी सिक्योरिंग ऑफ द बेस्ट, यू नो, तभी भी मेरे माइंड में है, मेरे को पता है कि एक और फ्रैगर जरूरी है। एंड इसके बाद जो अमन है वो अपने बेस लाइनअप से रिलेटेड भी बात करते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। व्हाट्स योर टीम? हमारी टीम में इजी है जो BGIS एस्टेक 2 है लास्ट ईयर वाला, और BMPS में भी जो लास्ट नहीं, BMPS नहीं, लास्ट कोई ऑफिशियल हुआ था उसमें भी राउंड 3 राउंड 4 था, और डॉक्सी है वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर, एंड अभी एक और है माही करके, राजस्थानी अपने इधर आसपास ही रहता है, छोटी सादड़ी जगह यहाँ से। एंड इसके बाद जो थक भाई है वो हमारे को सबसे ड्रीम लाइनअप पूछते हुए दिखाई दे जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे को फियर्स, नियो एंड साथ में जो गमला बॉय है वो रिप्लाई करते हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। इंडस्ट्री जिसके बाद आप एक टीम बनाना चाहोगे एंड यू थिंक कि वो टीम करंट टीम से ज्यादा सक्सेसफुल होगी, दिस अप्लाइज टू एवरीवन, सोच के रखो आंसर। मान्या, एस पावर एंड रोनी एंड मी। Neo, coming to you, same question. कौन से तीन प्लेयर है जिसके साथ आप खेल के यू थिंक यू विल परफॉर्म बेटर देन द करंट लाइनअप? आदि, हर्ष और डार्क लॉर्ड, आई गेस ये परफेक्ट प्लेयर्स है। ओके, कोट आ गया। एंड आई विल कम टू यू गमला भाई, आप तो साम्राज्य के साथ काफ़ी टाइम से स्टिक कर रहे हो, बट टाइम टू टेल मी कि आप किसके साथ खेलना चाहोगे, और आपको लगता है कि इतनी अच्छी लाइनअप जो आपकी परफॉर्म कर रही है, इससे बेटर किन के साथ परफॉर्म करोगे? एक तो इधर ही बैठा है। ओके एक ये और दो मान्य और एस्पावर। ठीक है, आई विल टेक दैट। एंड इसके बाद जो RGE के ओनर हैं वो भी हमारे को बात करते हुए दिखाई जाते हैं कि जो RGE है वो कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी ट्रॉफी उठाने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। कॉन्फिडेंस तो था कि इन लोग फाइनल तक पहुंचेंगे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इन लोग टॉप 3 प्लेसमेंट तो ले ही लेंगे, बिकॉज BGIS के बाद इनमें when they saw the competition level and they realized ki yaar ye competition itna bhi tough nahi hai,
So it is something like a challenge that they want to do is that they want to increase the position every tournament. So last time third I BGS mein, this time they are aiming for the trophy and of course making sure that we prepare for the next official tournament also. You know your team are top rated teams jinhone playoffs skip karke seedha grand final mein aaya. Aaj ke time pe kitne percent chance hai ki trophy reckoning ke boat camp jayegi? Players to bol rahe hai kafi high chances hai, but I don't want to jinx anything. I am saying it is still a 50-50%. It all depends upon the momentum and the mentality of the players. And hum log ka pre-match bhi ek acha meeting bhi hua, baat bhi hua, and everyone's motivated. No one's scared. That is the best thing I can see in this team. Otherwise, mere jo bhi previous team the, sabko ideas ye tha ki haan top 4, top 8, top 9 aisa khelenge. But with this team, it is always about the trophy. Super done. Thank you so much, Shan. तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो।